हरे भरे लहलहाते खेत, खुशहाल किसान, समृद्ध गांव, कभी यह देश की पहचान रही। भारत में कृषि एक ऐसा कार्य माना गया है जिसके साथ समृद्धि स्वतः ही दिखाई देती रही। देश का लगभग 70% भाग ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें कृषि प्रमुख व्यवसाय के रूप में है, परंतु आज यह सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है और खतरे में है। कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था के पिछड़ने का प्रभाव देश के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था की वैश्विक समृद्धि पर भी पड़ रहा है। दुष्परिणाम के रूप में देखते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग आज पूरी तरह डिजिटल पर केंद्रित हो गया है और वर्तमान शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि आप प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके ही पैसा कमा सकते हैं। इस तरह अच्छे पढ़े लिखे लोग प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के स्थान पर व्यवस्था को बिगाड़ने में भागीदारी करने लगे। वे आर्थिक रूप से संपन्न तो हुए लेकिन उनके व्यवहार में शोषण आ गया। इस वजह से एक ओर सामाजिक संबंध टूटने शुरू हो गए और धन संपन्न परिवार में यह समस्या अधिक दिखाई देने लगी तो दूसरी ओर प्रकृति का शोषण बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी। इन विकट परिस्थितियों में कृषि वैज्ञानिक जो विदेशों से ज्ञान प्राप्त कर लौटे थे उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। उनके मन में प्रश्न उठा कि ऐसा क्या करें कि प्राकृतिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। जहां भी देखो प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हैं, मिट्टी पर्याप्त है, वर्षा पर्याप्त है, भौगोलिक स्थिति अच्छी है, उन्नत तकनीक उपलब्ध है, लेकिन इसका सदुपयोग बेहतर ढंग से ना हो पाने की वजह से कृषि घाटे का व्यवसाय बनती जा रही है, जिस कारण किसान और उनकी संतान खेती से दूर होती जा रही है। दिसंबर 1994 में लौटा था विदेश की पढ़ाई पूरी करने के बाद। तब तक का मेरा अनुभव यही था कि भारत एक समृद्ध देश है लेकिन इस देश के लोग गरीब हैं क्योंकि यहाँ की खेती पिछड़ी है। तो मेरे मन में बात हमेशा उठती रही कि हमारे देश में मौसम की अनुकूलता है, भूमि है, अच्छा जल का स्रोत हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन खेती की जो तकनीक में परिवर्तन आने के बावजूद किसानी क्यों कोई बढ़ना नहीं चाहता। तो इन सबकी वजह मुझे लगी कि कृषि को उद्यमशीलता के रूप में कभी अपनाया नहीं गया। और तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब युवा कृषि साथी कृषि स्नातकों को लेकर एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कृषि से अपनी आय तो निकाले ही, कृषि संबंधी व्यवसाय से अपनी आय निकाले ही, लेकिन साथ ही साथ किसानों को अपने साथ में बढ़ाता चला जाए। तब फिर विचार आया कि किसानों की कंपनी बनाई जाए, कृषि उद्यमियों की कंपनी बनाई जाए। तो एग्रीकॉम की स्थापना 2005 में की गई। तो हमने तय किया कि हमारी कंपनी का मालिक हमारा अन्नदाता कृषक रहेगा और हम सबके सब उस कंपनी के शेयर होल्डर्स रहेंगे। बस किसानों का खोया हुआ सम्मान वापस लाने की योजना बनी। कृषि स्नातकों, कृषि विशेषज्ञों और किसानों की संस्था एग्रीकॉन का गठन किया गया। एग्रीकॉन का लक्ष्य बना किसानों को कृषि उद्यमी बनाना। एग्रीकॉन प्रोड्यूसर कंपनी का आधार बना भाटा गांव मॉडल। 1994-1995 में जब राजीव गांधी वाटरशेड मिशन प्रारंभ हुआ तब यह रायपुर के नजदीक धरसीवा के एक बंजर क्षेत्र भाटा गांव भी चिन्हांकित था, लेकिन लागू होने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे में तत्कालीन विधायक को एग्रीकॉन के संस्थापक डॉक्टर संकेत ठाकुर के कृषि विशेषज्ञ होने की जानकारी हुई। डॉक्टर ठाकुर ने उस स्थान पर पौधारोपण करने की और साथ ही फलदार वृक्ष लगाकर भाटा गांव के निवासियों को देखभाल के लिए जमीन
लीज पर देने की सलाह दी। इसके बाद भाटा गांव के 39 खेतीहर मजदूरों के परिवारों को एक एक एकड़ जमीन देकर सब्जी की खेती प्रारंभ कराई गई, जिसमें तकनीकी मार्गदर्शन के साथ साथ मार्केटिंग का कार्य भी उन्हीं परिवारों के युवा बच्चों को सिखाया गया। लगातार सब्जी के अच्छे उत्पादन से इन परिवारों द्वारा गाड़ी खरीदी गई, जिसमें सब्जी को बाजार तक ले जाने में सुविधा हुई। और वहां से हमन फिर अपन स्टार्टिंग करें अपन खेती बाड़ी ले मस्त है, जिसमें अपन जीवकल चला थन और छोटे छोटे बाल गोपाल भी पढ़ा थन और कुछ शादी योग्य रही थे शादी योग्य भी बनाए। ये बीच में हमारे एग्रीकॉन समिति के संकेत ठाकुर जी है, वो हमारे मन से संपर्क करीस साथ में जुड़ीस, वो हमारे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दीस और हमारे मन के मार्ग मार्ग दिखलाइस जेकर मार्ग हम चलें और ओकर चलते चलते में यहाँ नर्सरी के व्यवसाय भी होइस, नर्सरी भी अपन लगाएं और यहाँ से माल बिकीस जंगल झाड़ी जगह जगह। नबार्ड के अंतर्गत में हमारे दुकान दिलाएगी साहब है, दुकान भी चलीस और हमारा पुरस्कार भी दिलाइस और पुरस्कार भी अपन खुद समिति के अंतर्गत में हमारा देगी। से भाटा गांव का मॉडल पूरे प्रदेश में प्रेरणा का प्रतीक बना। 1997-1998 में अन्ना हजारे जी ने देखकर बहुत प्रोत्साहित किया। आज भाटा गांव रायपुर नगर निगम में शामिल हो चुका है, परंतु यह भूमि आज भी सब्जियों से हरी भरी है और 39 परिवारों के दूसरी पीढ़ी के आय का एक स्रोत बनी हुई है। इस तरह यह मजदूर श्रेणी के या लघु या सीमांत किसानों के प्रेरक मॉडल हैं। भारत सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी इस मॉडल को प्रेरणा माना और छत्तीसगढ़ में जितने प्रोड्यूसर कंपनी बने सबका आधार भाटा गांव मॉडल ही था। IIM कोलकाता ने इस मॉडल पर एक शोध पत्र प्रकाशित करवाया, जिसका विषय था स्वसहायता समूह द्वारा बंजर जमीन के विकास से आय के स्रोत। छत्तीसगढ़ की लाखों हेक्टेयर बेकार पड़ी जमीन के बेहतर करने का यह अनुकरणीय उदाहरण है। आज एग्रीकॉन के तकनीकी हस्तक्षेपों की गिनती उंगलियों में नहीं की जा सकती। इसी तरह एग्रीकॉन से प्रेरित कई किसान तकनीकी सुझाव को अपनाकर मजदूर से मालिक बने। इन्हीं में से एक है रुगधर। रुगधर के माता पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन रुगधर को सब्जी बेचने का शौक था। रुगधर को सब्जी बेचने से ज्यादा फायदा नहीं दिखा तो उसने खेती करने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने अपने मालिक जिनके पास 30 एकड़ जमीन थी से अनुरोध कर 2 एकड़ की जमीन अपने परिवार की खेती के लिए मांगा। मैंने 7 साल सब्जी बेचा गली गली घूम के टोकनी में। 7 साल में 9,000 रुपया मैंने कमाया। फिर मैंने हर बाड़ी सब्जी लेने जाता था तो मेरे मन में भी जागता था कि खुद का मैंने लीज में काम करके मैं अपना कारोबार चलाऊं और खुद को मेरे को मालिक बनना है। इस टाइप का मैंने मेहनत किया। उसी 9,000 को मैंने 2 एकड़ जमीन लीज पे लिया। लीज में लेके अपना खुद नांगर जोतता था, खुद पानी पिलाता था, खुद दवाई चलाता था, खुद पलो करता था, खुद मार्केट में माल को बेचता था और मैंने उससे गुजारा करता था। फिर मैंने 9 एकड़ बनाया। 9 एकड़ से कुछ साल पहले मैंने 20 एकड़ बनाया। कुछ धीरे धीरे मैंने कारोबार करके आज कम से कम भी 170 एकड़ में खेती करता हूँ और आज भी मैंने अपने मन से काम करता हूँ। तो कुछ साल पहले मेरे ठाकुर से मेरा मुलाकात हो गया। उस समय 30 एकड़ का मेरा पास प्लाट था तो इस टाइप का मुझे 6 एकड़ में उसने चीप वाला ड्रिप लगा के दिए। मेरे को जुनून है, मतलब एक बार खाना मत दो, खेती दो। एग्रीकॉन ने रुगधर और भाटा गांव की सब्जियों को वेजी फ्रेश के नाम से बेचना प्रारंभ किया और बेहतर तकनीक से परिपूर्ण खेती के लिए सुझाव देना शुरू किया। आज रुगधर एग्रीकॉन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का शेयर होल्डर है और राज्य शासन ने उसे पुरस्कृत भी किया है। रुगधर आज 300 से 400
ऐसे मजदूर परिवारों का प्रेरणा स्रोत है जो खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। इस तरह एग्रीकॉन जमीन में काम करने वाले व्यक्ति को मालिक बनाने की ओर प्रेरित कर न केवल तकनीकी सहयोग करने में सफल हो रहा है, वरन आज जब खेती को घाटे का व्यवसाय माना जा रहा है तो मजदूरों के लिए फायदे के व्यवसाय के रूप में उनका विश्वास वापस लाने का प्रयास भी कर रहा है। कृषि का खोया हुआ गौरव वापस लाने की मुहिम में किसानों के साथ साथ कृषि स्नातक भी एग्रीकॉन से सीधे जुड़ते गए। दुर्गा शंकर परगनिया एक बैंक के कृषि अधिकारी पद की अपनी नौकरी छोड़कर सन 2007 में एग्रीकॉन से जुड़े और खेती भी करने लगे। 20-22 साल स्टेट बैंक में नौकरी करने के बाद थोड़ी सी ऊब होने लगी वही काम रोज रोज करने का, तो फिर नौकरी छोड़ के अपना खेती करने का तय किया। तो नौकरी छोड़ के जब मैं गांव आया कि मैं खेती करूंगा करके, तो मेरी माताजी बिल्कुल एकदम मना कर दी, बोले गांव में आके कोई ऐसा काम नहीं करना, जो काम करना है शहर में करो, गांव में तरक्की नहीं है। उनका कहने का ये मतलब था कि खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और खेती से आमदनी लगभग नहीं है, तो उनको मनाने में 3 साल 4 साल 5 साल लग गए मुझे। इस बीच में शहर में खेती से संबंधित संस्थाओं से जुड़ के काम करने लगा और गांव की अपनी खेती भी करने लगा। जब मैं माताजी को मना लिया तो फिर मैं धान की खेती से सब्जियों और केला और पपीता की खेती में आने के लिए सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको और बैंकों से ऋण लेके अपने खेत को अच्छी खेती के लायक बनाया। एग्रीकॉन की गतिविधियों से नाबार्ड के अधिकारी संपर्क में आए और उनकी योजनाओं में काम करने के लिए आमंत्रित किया और इसी से शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ एग्रीकॉन समिति की। नाबार्ड के अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि हम करते क्या है, तो हमने उनको पूरा अपना काम बताया हम क्या कर रहे हैं। तो बोले वो काम तो नाबार्ड भी कर रही है, तो क्यों ना आप लोग हमसे जुड़े। लेकिन जब नाबार्ड ने प्रस्ताव दिया तो हमने उनको साफ साफ कह दिया कि देखिए हमारी कंपनी है और हम कंपनी के नाव के तहत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग काम तो वही कर रहे हैं कि देश में किसानों की स्थिति को बेहतर करने का, और नाबार्ड उसी काम को कर रही है, हम आप मिल जाएंगे तो अच्छा काम हो सकता है। तो नाबार्ड की कंडीशन थी कि एनजीओ का गठन होना चाहिए, तो नाबार्ड के कहने पे हमने एनजीओ की अपनी एक विंग प्रारंभ की और उस एनजीओ के माध्यम से नाबार्ड की बड़ी परियोजना का क्रियान्वयन का काम हमने किया और एक नया सिलसिला चालू हुआ। इस तरह नाबार्ड के सहयोग से सन 2008 से आज तक छत्तीसगढ़ एग्रीकॉन समिति द्वारा लगभग 3,650 एकड़ में वाड़ी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है, जिसमें मुख्य रूप से आम, काजू, अमरूद, नींबू के साथ परियोजना क्षेत्र के 100 गांव में वन से संबंधित पेड़ और सब्जियों का रोपण किया जा रहा है। इनमें मुख्यतः महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक, बस्तर के तोकापाल में, बिलासपुर के कोटा क्षेत्र की वाड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं उन किसानों के बंजर जमीनों में प्रारंभ की गई हैं जो भाटागांव के मॉडल या रूखधर की खेती से प्रेरित होकर आगे आए हैं। इसमें जब हम लोगों ने काम शुरू किया, जो बेसिक अंतर मुझे ये लगा कि हम एक एक किसान से जुड़े, लेकिन जब हम इस समिति से जुड़े तो हमने देखा कि हमें किसानों से बात करना है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उन्हें किस तरह से मोबिलाइज किया जा सकता है, सेंसिटाइज किया जा सकता है, इस पर हम लोगों ने काम किया। नाबार्ड के सहयोग से वेजी बूथ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य रहा किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों का किसानों के द्वारा विक्रय। आज एग्रीकॉन समिति नाबार्ड के लिए मुख्य स्रोत संस्था, जो किसान क्लब के गठन करने के साथ साथ उनके क्षमता विकास में लगी हुई है और अब तक लगभग
105 क्लब के गठन के साथ ही कई प्रदर्शन योग्य खेती की स्थापना भी कर चुकी है। समिति द्वारा नाबार्ड के ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिलासपुर एवं धमतरी जिले के 13 गांव में योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके अतिरिक्त समिति ने बिलासपुर जिला के 2 जल ग्रहण विकास परियोजनाओं में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया। नाबार्ड की अन्य परियोजनाओं जैसे बस्तर के 5 गांव में उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम और दुर्ग जिले में SRI के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की ओर किसानों को अग्रसर किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत उन्नत बीज, धान रोपाई यंत्र, जैविक खाद आदि नई तकनीक का प्रयोग किया गया। इन सब का परिणाम रहा कि किसान ऐसे खेतों से हजारों रुपए की कमाई करने में सफल रहे जिन खेतों से मात्र 500 रुपए की फसल ही निकलती थी। सरकार का ये चल रहा है कि किसान के आय दुगना करना है 2022 तक। ये हम 2011-12 से सतत प्रयास कर रहे थे, तो जो बीज में जो किसान उत्पादन करें उनका ऑलरेडी आय दुगना हो चुका है। अब इसमें और ज्यादा फायदा उनको लेने के लिए अभी जैसे लेमन ग्रास, जो एरोमेटिक ऑयल, एरोमेटिक चावल, ये सब का धीरे धीरे ये हमारा महासंघ जा रहा है। जैसे कृषक महासंघ हमारा, उसके पूरा जो मार्केटिंग टाइप वो छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर एग्रो प्रोड्यूस के साथ है, ताकि सबसे पहले कोई भी उत्पाद आए उसका बाजार हम तय करते हैं कि ये बिकेगा या नहीं। अगर उसका मूल्य पहले से निर्धारित हो और उसका क्वालिटी, क्योंकि ये दोनों चीज हमेशा बड़ा नाजुक चीज है कोई भी व्यापार के लिए। तो छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर समिति का कहना था कि हमारे पास एरोमेटिक ऑयल का है मार्केट, हमारे पास एरोमेटिक राइस का मार्केट है, हमारे पास हनी का मार्केट है, हमारे पास सर्टिफाइड सीड का मार्केट है, टिश्यू कल्चर बनाना का मार्केट है। तो जैसे जैसे हमें मार्केट मिलता गया, ऐसे ऐसे हम स्व सहायता समूह जो महिलाओं का और इनका जोड़ते गए। एग्रीकॉन द्वारा नाबार्ड की वाड़ी परियोजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रथम वर्ष में ही अंतर्वर्ती फसल के रूप में सुगंधित तेल वाली फसलों की खेती करवाई गई। हम लोगों ने इसकी शुरुआत पहले तो अपने कुछ जो हम प्रयोग के फार्म थे तिल्दा, देवरी, इन सब जगहों पर हम लोगों ने लेमन ग्रास लगा के शुरू करी। और वो भी बड़े मजे की बात आपको बताऊं कि जब लेमन ग्रास हम लोगों ने लगाई और गाँव में जैसा कि होता है कि कोई नई चीज हो रही होती है तो गाँव में आके लोग देखते थे और पूछते थे, बोले भैया कहाँ लगाते, बताया कि लेमन घास लगा तो भाई, और कहा कर बे घास तो इसने बहुत लगे है यहाँ, ते गाँव घास कहाँ लगाते, नहीं कहो के ये घास है मैं सुगंध है ओके अगर तेल निकली तो वहाँ सुन के, और धीरे धीरे से ला के वहाँ से आगे बढ़ जाते और पीछे जाके बोलते थे, जो हमारे कानों तक भी बड़ा स्पष्ट आता था, ये देख पढ़ लिख के विदेश से आए है मन पगला गए। इस तरह एग्रीकॉन कृषि उद्यमिता के अपने सपने को बस्तर जैसे दूरस्थ एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी साकार करने में सफल हो रहा है। जबकि बस्तर में माओवाद, पानी की कमी, बिजली की कमी जैसी स्थितियां आज भी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन एग्रीकॉन मानता है कि अगर किसान चाहे तो एक सफल उद्यमी बन सकता है। पहले माया इस खेती किसानी काम कर रहा था, पहले इसमें कोदो कुटकी बो रहे थे, कभी भुट्टा भी बो रहे थे एग्रीकॉन वाले में से। तो अभी यही साथ साथ बीचों बीच अगर ना तुम साग सब्जी भी लगा सकते हो, तब ना मैं गड्ढा खोद के देखा तो इसमें ना हमारे बाड़ी में तो 1.5 फीट में पत्थर निकलना शुरू हुआ। तो अभी पत्थर 1.5 फीट में पत्थर निकल गया तो पौधा कैसे बढ़ेगा, ऐसी मेरा जो मन में गुणाभाग किया और क्या किया, मैं किसी हालत से भी पौधा जगाना जरूरी है बोल के मैं गायती सब्बल घन से पत्थर तोड़ तोड़ के 3x3x3x का जो अलाउड दिए थे, मैं कम से कम पत्थरली जमीन है बोल के ना मैं 4x3x3x4 का घर आई कोदा पत्थर तोड़ तोड़ के। और जो
अभी पतली जमीन आए बोल के ना बाहर से मैं मिट्टी काली मिट्टी ला के ना जो गड्ढे में पटवा के जो पौधा लगाते हो बोले तो टमाटर लगाया बैंगन लगाया मिर्ची भी लगाया था आम भी है पिछले साल लगभग 3 क्विंटल निकल गया ये बाजार में भी मैं बहुत खुश हूँ सर। अभी ये बाड़ी को देखते देखते अभी गाँव वाले भी अगर हम भी अगर ऐसी बनाए रहते तो आज तक क्या नहीं होता। आज अर्जुन की तरह बहुत से किसान बस्तर जैसे क्षेत्र में एग्रीकॉन के मार्गदर्शन एवं सहयोग से न केवल ड्रिप इरिगेशन तकनीक से सिंचाई कर रहे हैं वरन धान रोपाई के लिए आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। हम ये मजाक में बोला करते थे कि कंपनी हमारी ऐसी हो कि किसान खड़ा होकर अपने कीमत को लेकर नेगोशिएशन करे किसके साथ बड़ी कंपनी के साथ तो वो मजाक हकीकत में बदल गया कि जब हम इमामी के साथ हमने नेगोशिएशन किया रिलायंस के साथ हमने किया और हमने कहा कि ठीक है अब दो कंपनी के स्तर पे बात होगी अब किसान एक कच्चा माल का सप्लायर बन के नहीं बात कर रहे हैं बल्कि किसान एक कंपनी के मालिक के हिसाब से बात करेगा तो हमने उस सपने को पूरा किया और हम लगभग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने बिजनेस को स्थापित किया। एग्रीकॉन द्वारा नाबार्ड के अनेक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जानकारी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के समग्र योजनाओं को बनाने और क्रियान्वयन सहयोगी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉकों के लिए एग्रीकॉन को दी गई। मनरेगा के तहत जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से राज्य के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर व छुरा बलराम जिले के कुसमी धमतरी जिले के मगरलोड बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा और बस्तानार जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर फैसिलिटेटिंग टीम के रूप में किया जा रहा है। मनरेगा में सीएफटी के माध्यम से जो प्लानिंग हो रही है वो पहले जो हम लोग अपने इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा कराया जाता था अब सीएफटी के थ्रू किया जा रहा है। अभी जो प्लानिंग हो रही है सीएफटी के थ्रू वो उसमें पूरे ब्लॉक की एक बिगर पिक्चर को लेते हुए प्लान बनता है जो हर साल इंप्लीमेंट होता है और एक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स रखा जाता है तो पूरा रिसोर्स मैपिंग करते हुए ये प्लान बनता है और सारे सैंक्शन हैं जो भी मनरेगा के वो उसी के प्लान के अकॉर्डिंगली होते हैं। पुरानी प्लानिंग से इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब आई है और हमारा जो टोटल इरिगेशन का एरिया है वो काफ़ी लगभग 5-7% बढ़ा है। एग्रीकॉन काम कर रहे हैं हमारे 2 ब्लॉक में उनके आने से एक तो ये हुआ कि जो नरेगा के हमारे मजदूर हैं या हितग्राही परिवार हैं उनसे सीधा जीवंत परिवार टू परिवार संपर्क बढ़ा। इससे जो परिवार हैं हितग्राही परिवार हैं उनमें बहुत ज़्यादा जागृति आई नरेगा के प्रति। नरेगा के कामों के लिए जो एक भैंसा होता है कि पेमेंट बहुत देर से होता है या नहीं होता है वो खत्म हुआ क्योंकि सीएफटीज के लोग वो सीधे उनके संपर्क में रहे। इसी के तहत एग्रीकॉन द्वारा प्रचार प्रसार गांव का मानचित्रण योजना निर्माण एवं ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें गाँव वालों द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्य डबरी निर्माण पार्कुलेशन टैंक लूज बोल्डर स्ट्रक्चर गली प्लग आदि कार्य किया जा रहा है। अब सीएफटीज का रोल तो काफी एक्सपेंसिव है जैसा कि सोचा गया है जिस उद्देश्य से सीएफटीज को लिया गया है जिसके में न सिर्फ नरेगा अभी भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीएफटीज और नरेगा की बात कर रहे हैं जबकि सीएफटीज जो है वो नरेगा एनआरएलएम पहले ये सारी चीज़ों की जो हमारा जैसा कि हमने यहाँ पर काट लिया है दरियाबंद में हमने एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है उस विलेज डेवलपमेंट प्लान में न सिर्फ नरेगा की बात कही गई है बल्कि अन्य विभागों की भी बात कही गई है। तो सीएफटीज का जो रोल है चाहे वो एग्रीकॉन हो चाहे रूपरेट हो या अन्य कोई भी सीएफटीज अन्य जिलों में प्रदान कर रहे हैं काम तो इनका
जो रोल अब और बढ़ जाता है और नरेगा से आगे बढ़कर अन्य स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, उसके बाद एक कार्य योजना जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाना है जो जिसमें बहुत 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 मेहनत करने की जरूरत है। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में सीएफटीज इस रोल को बहुत ही बखूबी अदा करें, तभी हमारा नरेगा हो या अन्य स्कीम हो या सीएफटीज एज ए स्कीम इटसेल्फ विल बी सक्सेसफुल। इन कार्यों के पीछे एग्रीकॉन का संदेश है रोजगार गारंटी से रोजगार सृजन की ओर, जिसका सीधा फायदा कृषि में होगा। आज 75% किसान गरीब हैं और 25% मध्यम हैं या फिर बड़े हैं। मध्यम या बड़े किसान साधन और धन संपन्न होने के कारण उन्नत तकनीक का इस्तेमाल अपेक्षाकृत आसानी से कर लेते हैं। जब गरीब किसानों को किसी बड़े किसानों के खेतों या कृषि विश्वविद्यालय में भ्रमण कराया जाता है तो उनका मानना होता है कि यह उनके बस में नहीं है। इसी धारणा पर एग्रीकॉन बदलाव ला रहा है, जिसमें उच्च तकनीक छोटे किसानों के पास सीधे पहुंच रही है और छोटे किसान दूसरे छोटे किसानों के पास जाकर जब देखते हैं तो उनसे पूछते हैं। जब एक छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को तकनीकी जानकारी देता है तो उनमें उत्साह बनता है कि हाँ, हम भी नई तकनीक अपना सकते हैं। उन्नत तकनीकी से निश्चय ही उत्पादकता में वृद्धि होती है, लेकिन अधिक उत्पादन के बावजूद किसानों को अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता और किसान कभी कभी तो अधिक उत्पादन कर घाटे में रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसान अपने उत्पाद को प्रोसेस कर नहीं बेच पाते। इस समस्या का समाधान यह है कि किसान कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेस्ड उत्पाद बेचें, यानी वे धान नहीं बल्कि चावल बेचें। इसी क्रम में नाबार्ड द्वारा बिलासपुर जिले में किसानों का फेडरेशन गठित कर अब उनके लिए राइस मिल स्थापित करने में सहयोग किया जा रहा है। एग्रीकॉन किसानों को उनके चावल का वाजिब मूल्य दिलवाने प्रतिबद्ध है। पहला कृषक महासंघ का गठन हुआ, बेगाबाबा कृषक महासंघ, जो कोटा, तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक बिलासपुर के प्रतिनिधित्व किया। और पेंड्रा घरेला मानवाई के लिए मां नर्मदा कृषक महासंघ का गठन हुआ। ऐसे ही जयमितान कृषक महासंघ का गठन हुआ मुंगेली, पथरिया और लोरमी के लिए। हमने ये एश्योर किया कि हर उत्पादन बिना प्रसंस्करण का गांव से बाहर नहीं जाएगा। पहला ग्रेड का प्रसंस्करण गांव में ही हो जाना चाहिए, चाहे वो ग्रेडिंग हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन ऑफ मशरूम हो, या लेमन ग्रास का डिस्टिलेशन हो, या फिर धान से चावल निकाल करके उसका पैकिंग करना हो। हम उसके बाद फिर उसका मार्केटिंग के लिए हमने एग्रीकॉन को चुना। इस राइस मिल के स्थापना के साथ में एग्रीकॉन द्वारा किसानों के सभी उत्पादों को खरीद कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 65-70% लोगों को ये एम्प्लॉयड करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। एग्रीकल्चर में अगर आप काम करना चाहेंगे तो बहुत सारा स्कोप है, और थोड़ा थोड़ा अगर आप इसमें इंटरवेंशन करते हैं अलग अलग जगह पे टेक्नोलॉजी के साथ, तो कॉस्ट जो होता है प्रोड्यूस का वो एकदम बढ़ जाता है। अभी हम कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ चालू कर रहे हैं जो मार्केट में मार्केटिंग करने का है। तो हमारा जो बेसिकली जो एग्रीकॉन के साथ किसानों का प्लान है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग टू कस्टमर। ये कैसे होगा? ये होगा ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं, उसकी डिलीवरी सीधा कस्टमर को घर से हो जाएगी। जब हम ये रिटेल कस्टमर वाली चेन को हम एस्टैब्लिश कर लेंगे तो ये जब अचीव हो जाएगा तो ये तो एक डायरेक्ट चैनल हुआ। दूसरा चैनल बिल्कुल जो नॉर्मल सप्लाई चेन है, यानी जो अपनी किराना दुकान है, जो मॉल है, उनके थ्रू आने का है, और एक होलसेलर वाले कंसेप्ट में। तो हम तीनों ही लाइन में काम करेंगे। इस तरह एग्रीकॉन एक मिशन के तहत काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनकी पहचान बन सके, और उनके पास जो कुछ जमीन है उसी जमीन से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसानों के साथ साथ
एग्रीकॉन आज के उस युवा वर्ग को भी कृषि के क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है जो तकनीकी रूप से संपन्न है। एग्रीकॉन इन युवा वर्ग को कृषि के क्षेत्र में उनके भविष्य की संभावनाओं को एक पेशेवर सफल व्यक्तित्व के रूप में दिखा पाने में भी प्रयासरत है। मैं अपना माल खुद बेच सकता हूँ, मैं दूसरों पे आश्रित नहीं हूँ अपना माल बेचने के लिए। तो ये अगर आप पूरी एक्टिविटी देखेंगे तो ये सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं वी आर हेल्पिंग टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ फार्मर। एग्रीकॉन का पहला लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उस प्राचीन गौरव की ओर लाने का प्रयास करना है कि पुनः लोग विश्वासपूर्वक कह सके हाँ मैं किसान हूँ और कृषि ही मेरी समृद्धि का आधार है।